ब्यूटीफुल पीपल, तो की हाल चाल है आप सभी का। तो भाई साहब आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि आज हमारे चैनल पे कंप्लीट हो गए हैं 9 लाख सब्सक्राइबर्स। भाई साहब चाचू के चैनल पे हो गए 9 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट। अब सिर्फ 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए 1 मिलियन के लिए, उसके बाद आएगा गोल्डन प्ले बटन। वाओ खुश हैं क्योंकि हमारे चैनल पे कंप्लीट हो गए 9 लाख सब्सक्राइबर। तो आप सभी लोगों का भाई तहे दिल से शुक्रिया भाई, जिसने भी चैनल सब्सक्राइब किया है। बस भाई साहब हम लोग को 1 लाख सब्सक्राइबर और चाहिए, हमारे चैनल पे कंप्लीट हो जाएंगे 1 मिलियन सब्सक्राइबर। भाई साहब हर एक यूट्यूबर का सपना होता है भाई कि उसके चैनल पे कब कंप्लीट होंगे 1 मिलियन सब्सक्राइबर। तो हम लोग बेहद करीब हैं, तो इंशाल्लाह भाई ये साल हम लोग कंप्लीट कर जाएंगे 1 मिलियन सब्सक्राइबर, उसके बाद आएगा गोल्डन प्ले बटन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई साहब जितने भी लोग चाचू के वीडियो देख रहे हैं ना, सब लोग सब्सक्राइब कर लो और जल्दी से 1 मिलियन करा दो। भाई साहब ऊपर वाले का बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया भाई, ऊपर वाला जितना भी दे हर चीज का शुक्रिया करना चाहिए भाई, क्योंकि किसी के पास तो उतना भी नहीं होता, तो इसलिए जितना भी आपके पास हो हर चीज का शुक्रिया करना चाहिए ऊपर वाले का भाई। तो तहे दिल से शुक्रिया ऊपर वाले का और आप लोगों का भी इतना साथ देने के लिए भाई, थैंक यू सो मच। वो सब तो ठीक है चाचा, ये बताओ पार्टी कब है? पार्टी नहीं है। ये लो भाई, जीशान तो प्लानिंग कर लिया था कि पार्टी वार्टी होगा, लेकिन भाई हमने कोई पार्टी नहीं रखा है। एक्चुअली भाई बहुत सारा सेलिब्रेशन सब पेंडिंग में पड़ा हुआ है, ना ही मैंने अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया, ना ही मैंने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, तो बहुत सारा सेलिब्रेशन बाकी और ना ही ये 9 लाख सब्सक्राइबर का कोई सेलिब्रेशन करेंगे भाई। सीधा हम लोग सेलिब्रेशन नेक्स्ट ईयर या फिर जब हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे, तो एक साथ भाई सारी खुशियां मनाएंगे भाई, सारी खुशियां एक साथ मनाएंगे, बहुत सारी खुशियां पेंडिंग में है। तो इंशाल्लाह भाई जैसे ही हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे भाई, तगड़ा वाला सेलिब्रेशन रखेंगे, तगड़ा पार्टी रखेंगे, मस्त वाला पार्टी नहीं चाची, लेकिन कुछ ना कुछ तो खिलाना पड़ेगा क्योंकि 9 लाख सब्सक्राइबर जो कंप्लीट हुए हैं। अच्छा क्या खाएगा बता, चल खिला दूंगा। बिरयानी चल के खाएंगे। पक्का? पक्का बिरयानी, चल ठीक है डन। चलो भाई जीशान को बिरयानी खिला दूंगा। लेकिन चाचू एक प्रॉमिस करो। क्या? जब 1 मिलियन आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो एकदम धमाके से सेलिब्रेट करेंगे, टेंट वेंट लगवाएंगे, डीजे उजे लाएंगे, लाइट वाइट भाई। हाँ हाँ एकदम तगड़ा वाला जीशान पार्टी रहेगा। तू अपने जितने भी दोस्त रहेंगे सबको बुला लेना। यस, और बड़ा सा केक भी लाएंगे, एकदम बड़ा वाला लाएंगे। चलो भाई डन, 1 मिलियन पे तगड़ा पार्टी रहेगा। एक्चुअली भाई पिछले कुछ टाइम से हमने कुछ भी सेलिब्रेट नहीं किया, तो सब पेंडिंग में है भाई, तो बस मतलब इंतजार करो जल्दी से 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए, और कुछ दिन बाद भाई हम एकदम तगड़ा वाला सेलिब्रेट करेंगे, हर चीज का भाई बदला लेके सेलिब्रेट करेंगे भाई, एकदम तगड़ी वाली खुशियां मनाएंगे। ठीक है, आज 9 लाख सब्सक्राइबर पे मैं एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ भाई कि इंशाल्लाह 1 मिलियन सब्सक्राइबर पे हम लेके आएंगे न्यू महिंद्रा थार। ये कह रहे पागल हो गया क्या भाई? बहुत इंतजार कर लिया यार, मतलब मेरे घर पे ना सबका सपना है थार का, बट कहते ना कुछ प्लानिंग करो कुछ और हो जाता है, तो इसलिए भाई डिले पे डिले हो रहा था। लेकिन भाई 1 मिलियन सब्सक्राइबर मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, जैसे हिट करेंगे इंशाल्लाह हम लेके आएंगे न्यू महिंद्रा थार। चाचू झूठ तो नहीं बोल रहे ना इस बार? बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं हम लोग की थार में घूमेंगे, ट्रिप पे जाएंगे। नहीं जीशान पक्का है 1 मिलियन पे न्यू महिंद्रा थार आएगी। बस तू ये बता दे कौन से कलर का लेके आए? ब्लैक कलर। पक्का? पक्का। चलो भाई डन करते हैं, मतलब 1 मिलियन पे ये फोटो यहाँ से हटा देंगे और हम लोग के पार्किंग में खड़ी होगी एक न्यू थार, प्रॉमिस करता हूँ भाई। चलो इस बार पक्का प्रॉमिस करता हूँ।
इंशाल्लाह ये साल के एंड में हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, तो वही टाइम पे हमारे पास एक न्यू महिंद्रा थार आएगी। मतलब ये साल के एंड में बहुत सारे सरप्राइजेस हैं भाई, इंशाल्लाह। फिर से आप लोग का भाई मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ भाई कि इतना सारा आप लोग प्यार और सपोर्ट दिखाते हो और कितने सारे सब्सक्राइबर अपने मिलते हैं भाई, मतलब फैमिली से बढ़ के मानते हैं भाई, तो बहुत अच्छा लगता है आप लोग से मिलके भी, आप लोग से इंस्टाग्राम पे बात करके। तो थैंक यू सो मच गाइज, आप हैं तो हम हैं। यस चाचू मैं तो खुश हो गया, इस साल के एंड में थार आएगी भाई, जहां भी जाएंगे थार से ही जाएंगे। अच्छा जी सर, इतना थार तुझे पसंद क्यों है सच बता? उसका लुक ही अलग है, मतलब वो गाड़ियों से अलग ही दिखती है, मॉन्स्टर टाइप एकदम। हाँ? यस। और क्या क्या मॉडिफाई करवाएंगे जीशान उसमें? सबसे पहले अलॉय व्हील चेंज करवा देंगे उसका, और उसमें म्यूजिक सिस्टम एकदम मस्त वाला, और ब्लैक शीशा भाई। चलो भाई जीशान जो जो बोलेगा वो गाड़ी में वो चीज करवाएंगे। यस ब्लैक लेंगे ना? यस। चलो ठीक है, चलो भाई हमने प्रॉमिस कर दिया है, इंशाल्लाह हमारे पास ये साल के एंड तक होगी न्यू महिंद्रा थार ब्लैक, कलर भी डिसाइड कर लिया। चलो और भाई साहब अभी भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि निक्की चाची कहाँ है, निक्की चाची कहाँ है, तो भाई निक्की चाची मुंबई में है अपने घर पे, तो भाई अभी मतलब कुछ टाइम मुंबई में ही रहेंगी, तो निक्की चाची आ जाएंगी, जब सब लोग रहेंगे ना तब भाई सेलिब्रेशन करने में अलग ही मजा आएगा। तो जल्दी से जल्दी हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए, उसकी खुशी फिर थार की खुशी, मतलब डबल ट्रिपल खुशी रहेगी, मजा आएगा भाई, तब तक निक्की भी वापस आ जाएगी। वल्ला अभी भी समीर हमारे चैनल पे कंप्लीट हो गए 9 लाख सब्सक्राइबर्स। यस 9 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, 1 मिलियन होने वाले हैं भाई साहब। यस फिर गोल्डन प्ले बटन आएगा समीर, हो गई ये बताओ पहले, पार्टी अब सीधे 1 मिलियन पे रहेगा। अच्छा ना केक भी कटा नहीं ना पार्टी वार्टी कुछ? हाँ तो सीधे धमाकेदार पार्टी होगा 1 मिलियन पे, खतरनाक जैसे हम लोग करते हैं ना घर पे डीजे वीजे मंगा के। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो सब लोग, 1 मिलियन करो। और एक और सरप्राइज है, क्या? 1 मिलियन पे आएगा न्यू महिंद्रा थार, अनाउंस कर दिया। हाँ सही में, ओ भाई तब तो मजा आएगा, ये साल के एंड में इंशाल्लाह आएगा सब भाई। घर पे सब लोग सोच रहे थे कि आज पार्टी होगा, लेकिन भाई आज पार्टी नहीं, अब सीधा 1 मिलियन पे पार्टी होगा भाई, तगड़ा वाला पार्टी। हम लोग को तो पता ही, हम लोग पार्टी कैसा करते हैं, पूरा घर वर डेकोरेट करवा देते हैं, डीजे लगता है, लाइटिंग लगता है, बलून लगता है, जो भी हमारे पुराने व्यूवर होंगे सबको पता होगा भाई। मामू का 9 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो मैं नंगे नाचूंगा। अच्छा भाई यूसुफ बोला मेरे 9 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं, इसलिए वो नंगे नाचेगा। भाई यूसुफ बहुत खुश हो गया। भाई सच बताओ यूसुफ बहुत ज्यादा फनी है, आप लोग कभी इसे रियल में मिलोगे ना तो आप हंस हंस के लोट पड़ोगे भाई, गिर पड़ोगे, सच में बहुत फनी है। फिलहाल भाई साहब शाम हो गया है और यहाँ पे देखो भाई साहब हमारे घर पे एक कांड हो गया है छोटा सा, बताते बहुत फनी कांड है भाई। अभी थोड़े टाइम पहले ना अम्मी के पास एक अननोन नंबर से फोन आया, तो अम्मी उठाई तो बोल रहे हैं कि मतलब मैं सौरभ जोशी बोल रहा हूँ, तो अम्मी को उतना समझ में नहीं आया, तो फोन अम्मी मुझे दी, तो मैं बोला हेलो, तो बोल रहे मैं सौरभ जोशी बोल रहा हूँ, तो मैं पहचान नहीं पाया, फिर बोले बात किया थोड़ा सा, तो आवाज थोड़ी सी मैच हो रही थी वहां से, तो मैं समझा मतलब वैसा ही लग रहा था। हाँ वैसा ही लग रहा था, फिर मैं बात की अच्छे से, तो जानते हो क्या समझ में आया कि वो सब्सक्राइबर था। हाँ, नाटक कर रहा था। हाँ बोल रहा था कि मैं सौरभ जोशी हूँ, वही मैं कहूँ इतने बड़े यूट्यूबर हो कि वो कहाँ से फोन करेंगे। भाई अभी जस्ट ये बात आके जीशान मुझे बताने लगा, इतना ज्यादा हंसी आया। भाई साहब आजकल ना AI चल गया है ना, तो उससे आवाज भाई कोई भी किसी का भी आवाज निकाल सकता है, तो मतलब ये जीशान जी साहब से वो तो बता रहा कि आवाज मैच कर रहा, तो हो सकता है भाई कुछ कंप्यूटराइज करके आवाज चेंज किया हो कहीं से, तो चेंज किया हो, क्योंकि भाई आजकल इंस्टाग्राम पे तो गाने वाने भी, मतलब मोदी जी के गाने और कितने कितने हीरो क्रिकेटर सबके गाने वाने मतलब निकले रहते हैं, तो कोई भी आवाज चेंज करके कोई भी कुछ भी बन सकता है भाई। भाई मेरे पास ही कितना सारा कॉल आता है ना सब्सक्राइबर लोग का, बोलेंगे मेरे पास सौरभ जोशी व्लॉग्स का नंबर है, क्या आपको नंबर चाहिए? नहीं भाई, क्यों चाहिए नंबर, बिना पूछे किसी से क्यों किसी का नंबर लेने का, और सोच लो मतलब सौरभ जोशी व्लॉग्स बन के बात कर रहा था, सोच लो भाई। शुरू में जब बात किया ना मैं, तो मुझे लग रहा था एकदम कि वही
बात कर रहे सौर जोशी ब्लॉग, फिर मैं समझ गया कि कोई सब्सक्राइबर ही होगा, क्योंकि अम्मी के नंबर पे कैसे आएगा, वही तो कहीं नंबर भी लीक नहीं हुआ है। भाई दिन भर में बहुत सारे कॉल्स हम लोग के पास आते रहते हैं, कितने तो ये बोलते हैं कि भाई मैंने आपका नंबर कहीं से खरीदा हुआ है, ये तक बोलते हैं भाई, सोच लो मतलब कितने लोग नंबर बेचते हैं और पता ही नहीं चलता कि कहां से लीक हुआ नंबर। जीशान ये बता, अगर सच में कॉल आ जाए तेरे पास सौरभ जोशी ब्लॉग्स का, तो तब क्या अच्छा हो जाएगा, हम लोग बात भी कर लेंगे, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, एक बार हम लोग लाइव में बात किए थे ना। हाँ, ये देखो वीडियो भी है, ये देखो भाई जीशान खोल के बैठा। बढ़िया है भाई, और क्या हाल चाल है? देखो जीशान कितना खुश था। बढ़िया है भाई, आप सुने झांसी आए हुए हमारे भाषी में। साइकिल कैसी? साइकिल जीशान की। अरे देखो पीछे में व्लॉग शूट कर रहा था भाई। जीशान बता साइकिल कैसी चल रही है? साइकिल का मेरा चैन टूट गया। देखो पीछे में भी साइकिल नहीं वो फैट बाइक ले गया, इसकी बाइक भी आ रही है अभी नहीं, दो तीन दिन में। मजा आया था ना जीशान बात करके? यस भाई, कम से कम 2 साल हो गए हम लोग लाइव में, इंस्टाग्राम के लाइव में बात किए थे, मतलब बहुत ज्यादा मजा आया था भाई, मतलब ऐसे एक्सीडेंटली मतलब ऐड कर लिए थे और कम से कम 10-15 मिनट हम लोगों ने बात किया था अच्छे से, बहुत मजा आया था भाई। और पता है सबसे खुशी की बात क्या थी, कि मतलब लाइव में बात करने के बाद पता चला था कि वो भी हम लोग के व्लॉग देखते हैं, है ना जीशान? हाँ। जीशान की न्यू साइकिल आई थी, डर्ट बाइक आई थी, सब जान रहे थे कि मतलब आने वाला है डर्ट बाइक ये वो, तो मजा आया था। तो बस भाई साहब आज के ब्लॉग में इतना ही, कैसा लगा ब्लॉग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सिंदक व्लॉग बाय।